नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी आपके साथ। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के सुपर अस्पताल में। सुपर अस्पताल अभी विधिवत चालू तो नहीं हुई है, हालांकि यहां पर मरीजों को भर्ती करके उनका इलाज प्रारंभ कर दिया गया है। यहां पर इस समय डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया चालू है, तमाम तरीके के स्टाफ का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर पहली ही बारिश ने पैदा कर दिया है। इस प्रथम मंजिल और दूसरी मंजिल में जिस तरीके से यहाँ पर गिरी है बिल्डिंग, उस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से फाल सीलिंग गिरी है, तमाम तरीके के सवालों ने जन्म दे दिया। 150 करोड़ की लागत वाली बिल्डिंग, मैं आपको बताऊं, जी हाँ, 70 से 75 करोड़ जिस बिल्डिंग के बनाने की लागत थी, वो बिल्डिंग आपके टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ एक सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह भी है कि कंसल्टेंसी के लिए, जी हाँ, कंसल्टेंसी का मतलब देखभाल के लिए जिस बिल्डिंग को, जिस एजेंसी को यहाँ पर अथराइज किया गया था, उसकी कास्ट केवल और केवल 7 करोड़ रुपया। 7 करोड़ रुपए इस बात के लिए दिए गए थे कि बिल्डिंग बेहतर तरीके से बने, तमाम उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर मरीजों को आना है, पेशेंटों को आना है, वो किसी भी हादसे के समय भाग भी नहीं सकते, इसलिए हादसा ना हो, तमाम तरीके के यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए गए थे। यहाँ पर जिन लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, वो लकड़ियाँ भी फायर प्रूफ थी। जी हाँ, मैं आपको बताऊँ, छत भी जिस तरीके से बनाई गई थी, तमाम तरीके के यहाँ पर आग से बचने और सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए गए थे। नल का प्रॉपर कनेक्शन किया गया था, जैसे ही आग लगे, बारिश हो जाए, नल को खोल दिया जाए, झरना की तरह बारिश हो और उसका पानी वहाँ पर आग को रोक दिया जाए। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है, घटिया मटेरियल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। घटिया मटेरियल होने की वजह से एक गंभीर हादसा यहाँ पर कल होने से बचा। वहाँ पर पेशेंट थे, लगातार डॉक्टर देखभाल कर रहे थे, उसी दौरान कृत्रिम रूप से फॉल्स सीलिंग बनाई गई, भरभराकर गिर गई। हम आपको वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे, बिल्डिंग के अंदर ले चलेंगे, तमाम जिम्मेदार लोगों से बात भी कराएंगे। इस समय बिल्डिंग के अंदर कमिश्नर रीवा मौजूद हैं। जैसे ही उनको इस बात की जानकारी मिली, यहाँ पर तमाम तरीके से घटिया निर्माण किया गया है, वो यहाँ पर आ पहुँचे और वो इस समय बिल्डिंग का निरीक्षण कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं बिल्डिंग के अंदर और दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर कमिश्नर रीवा इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हम इस समय आ पहुँचे हैं सुपर अस्पताल के अंदर। यहाँ किस तरीके का नज़ारा है पहली बारिश में नीचे के मंजिल पर। अगर ऊपर के मंजिल पर होती तो एक बार बात समझ में आ जाती कि यहाँ पर बारिश के पानी ने इस छत को नुकसान पहुंचाया है, जो यहाँ पर लगाई गई है कृत्रिम रूप से, जो छत लगाई गई है, पीवीसी लगाई गई है, यहाँ पर किस तरीके से गिरी है, इसका जीता जागता सबूत किस तरीके से काम हुआ, आप अपने टीवी चैनल पर देखिए, टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर गिरी है। कभी भी यहाँ पर आम तौर पर पेशेंट रहते हैं, जैसा कि आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक सामने परामर्श कक्ष है। परामर्श कक्ष में लगातार यहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, दिखाते हैं। हालांकि अभी इस बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन अनौपचारिक तौर से इस बिल्डिंग को चालू कर दिया गया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से छत गिरी है। यहाँ पर लाइट का कनेक्शन है, लाइट भी लगी हुई है, बिजली भी लगातार यहाँ पर चालू है। अब आप खुद सोचिए कि उस छत का, उस जगह का क्या हाल होगा। ये पहली मंजिल पर हम इस समय मौजूद हैं। पहली मंजिल का नज़ारा कितना बढ़िया है आप खुद देखिए। करोड़ों की लागत से बनी हुई अस्पताल, सोचिए आप, करोड़ों की लागत से बनी हुई अस्पताल का सच क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से यहाँ पर पैसे की बंदरबांट की गई, भ्रष्टाचार किया गया या नहीं किया गया, अब मुंह से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप खुद देखिए किस तरीके से यहाँ पर बिखरे हुए सामान पड़े हैं, लगातार मैं आपको दिखाऊंगा, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए कितना घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया। जब इस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या होगा, आप खुद सोचिए। आइए आपको इसी बिल्डिंग के दूसरे कक्ष में भी ले चलते हैं, पहले प्रथम मंजिल पर ले चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं वहाँ पर भी किस तरीके का नज़ारा है। हालांकि जैसे ही ये बात तय हो गई थी कि ये इसकी कृत्रिम रूप से बनाई हुई छत गिर गई है,
पीवीसी से बनाई हुई छत गिर गई है। अनन फनन में यहाँ प्रशासन ने, जिम्मेदार लोगों ने इस घटना को छुपाने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन बात मीडिया में आ गई, इसलिए यह बात एक तरीके से खुलकर आ गई। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, जिस तरीके से तुरंत ही काम लगा के उसको ढकने का प्रयास किया गया, साफ तौर से दिखाई दे रहा है। नए अभी हाल ही में, कल ही रात को यह गिरी और कल ही इतना काम इसमें कर दिया गया। अगर एक दिन और हो जाता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर इस तरीके की कोई वारदात हुई थी। ये पीओपी किया होगा आपने? पीओपी किया है सर, देखो सर सैगिंग होने के कारण ही सर ये खड़े हो गए। देखो अच्छा चश्मा गिर गया, देखो जरा पैर भी गिर गया, क्वालिटी तो बहुत पुअर है भाई। इस तरह से सीलिंग मैंने पहली बार गिरते देखी है इतने दिनों में। तो ये सीलिंग के कारण होंगे? हाँ नहीं, ये तो सीलिंग के कारण होंगे, लेकिन देखिए इसका क्वालिटी है कि जैसे मॉइस्चर होता है पकड़ता है, गिरता नहीं है फिर, और मजबूत करता है मॉइस्चर इसको। सामान्य टेक्नोलॉजी है मेरे जहाँ तक जानकारी है, लेकिन ये तो स्वीकार योग्य नहीं है भाई। और भी कहीं गिरा है क्या? हाँ ऊपर है, क्या मजाक बना रहा था। अरसे बाद सुपर अस्पताल की सौगात मिलने जा रही है, लेकिन क्या इसका विधिवत उद्घाटन हो पाएगा? एक बड़ा सवाल, पहली बारिश। जी हाँ, पहली बारिश में आने पर ही एक बड़ा सवाल इस बिल्डिंग ने खड़ा कर दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेन बिल्डिंग का एक कॉर्नर है और कॉर्नर किस तरीके से यहाँ पर है, मैं कुछ बोलूँ उससे बेहतर होगा आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। नीचे से लेके ऊपर तक साफ तौर से दिखाई दे रहा है बिल्डिंग किस तरीके से क्रेक हो गई है, क्रेक बिल्डिंग। अब बड़ा सवाल, कब उद्घाटन होगा, कब बनेगा, कैसे बनी बिल्डिंग, ये सारी बातें आज हम आपको तफसील से बताएंगे। सुपर अस्पताल कैसे निर्मित हुआ, किस कंपनी ने बनाया, कितनी लागत थी। फिलहाल अभी आप देखिए बिल्डिंग का हाल। ये तो बिल्डिंग का एक कॉर्नर है, मैं आपको उसी हिस्से के और भी कुछ हिस्से दिखाना चाहूँगा। जैसा कि लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्रेक्स हैं, क्रेक्स ही क्रेक्स हैं। कोई एक जगह होती तो माना जा सकता है, कोई और भी वजह हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से जो टाइल्स लगाई गई है, वो टाइल्स बिल्कुल इस तरीके से लगाई गई थी कि टूटे हुए टुकड़े भी, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, टूटे हुए टुकड़े भी पहली बारिश में नहीं झेल पाए। सीमेंट लगा दी गई थी जैसे किसी को पता ना चले कि टूटी टाइल्स लगी है। बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ नहीं, टूटी टाइल्स, तमाम तरीके के क्रेक्स एक अपने आप में ढेर सारे सवाल को जन्म देते हैं। बिल्डिंग लागत लगभग 70 करोड़ है और काम चालू हो गया है, ऑपरेशन भी हो रहे हैं, OPD चल रही है, ECO, TMT सभी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, कैथ लैब में भी कुछ काम हुआ है, रेगुलरली अभी नहीं चल रही, वो भी इसी हफ्ते चालू करने वाले हैं, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, और ये सब हो जाएगा सरकार जब तय करेगी, उद्घाटन भी हो जाएगा। आपका डॉक्टरों की कोई कमी नहीं? डॉक्टरों की कमी तो है, सभी विभागों में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जैसे कार्डियोलॉजी है, यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, इसमें अभी काम करने लायक स्टाफ आ गया। आपको क्या लगता है सर, कब तक यहाँ पर जो स्टाफ की पूरी? अब ये तो सतत प्रक्रिया चल रही है, विगत 2 वर्षों से कंटिन्यूस चल रही है, जैसे भी चिकित्सक या अच्छे में रहते हैं, आते हैं स्टाफ, आते हैं तो उनको ज्वाइनिंग दी जाती है, करते हैं आके काम। देखिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीलिंग नीचे के मंजिल पे और फर्स्ट मंजिल पे गिरने की शिकायत प्राप्त हुई थी, पहले भी सीलिंग गिरी है, तो जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है उसके इंजीनियरों को और उसके जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको तलब किया है। प्रोबेबली कल वो लोग आएंगे और दिखाएंगे कि उसमें कंस्ट्रक्शन में कहाँ पे कुछ ना कुछ कमी निश्चित रूप से रह रही है, उसकी वजह से सीलिंग गिर रही है, और उसको दुरुस्त करवाएंगे। सर मॉइस्चर भी आ रहा है, पहली बार ऐसा देखेगा? अब देख लेते हैं कि कहाँ फॉल्ट है। अब एक्चुअल में ये कहना टेक्निकली मुश्किल है कि किस वजह से मॉइस्चर आ रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन
जो भी है उसको दूर करवाया जाएगा। सर दोषियों पे क्या कार्रवाई? दोषियों पे कार्रवाई होगी, पहले तो अभी गारंटी पीरियड में उसको ठीक करवाएंगे, नहीं होगी तो कार्रवाई के विकल्प खुले हुए हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अस्पताल को हम इस तरह से नहीं रहने देंगे कि कहीं भी सीलिंग गिरे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।